हेलो जी, नमस्ते एंड अ वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हिमानी एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग माय कॉर्डेलिया क्रूज एक्सपीरियंस विद यू गाइस फ्रॉम द बिगनिंग। कैसे बोर्ड किया, कहां से बोर्ड किया और फिर हमारा टूर कितने दिन का था और कॉस्ट कितनी है और आप कहां से बुक कर सकते हैं। हाउ इज माई एक्सपीरियंस, क्या फैसिलिटीज है, क्या अमेनिटीज है क्रूज में, क्या क्या फ्री है और क्या चीज के लिए आपको पे करना पड़ता है, एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कैसे आप बुक कर सकते हैं कॉर्डेलिया क्रूज। ये मोस्टली आस्क क्वेश्चन है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो अभी तक बहुत लोगों ने पूछा कि आपने कहां से बुक किया। तो आपको इसको बुक करने के, वैसे तो आप थर्ड पार्टी किसी एजेंट से भी बुक कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कॉर्डेलिया क्रूज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाली है और यहां पे भी मैं लिख देती हूं, सो दैट कि आपको असुविधा ना हो अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं करना है। तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर एक टूर का ऑप्शन आता है। जो भी अपकमिंग डेज पे टूर उनके आने वाले हैं वो आपको वहां पर दिखाई देंगे। अब आपको वहां पर सिलेक्ट करने हैं, अगर आपको 2 रातों के लिए क्रूज चाहिए, आपको 3 रातों वाला टूर बुक करना है, आपको 4 नाइट्स वाला करना है, वो 4 नाइट्स वाला क्रूज है जो कि स्टार्ट हुआ मुंबई से, देन एक दिन क्रूज पे एंड देन कोची, लक्षद्वीप एंड बैक टू मुंबई। तो 5 दिन 4 रात वाला क्रूज हमने ऑप्ट किया था, तो उसका जो कॉस्ट था वो कुछ इतना था। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे डाल दूंगी सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। जो रूम हमने सिलेक्ट किया था वो था ओशन व्यू केबिन, तो उसका कॉस्ट इतना था। अब बात आती है कितने तरीके के रूम होते हैं। तो कॉर्डेलिया में ना एक तो जो है वो नॉर्मल केबिन है, जिसमें कि आपको बिल्कुल कुछ भी विंडो कुछ नहीं मिलेगी, जस्ट आपको एक रूम मिलेगा, केबिन मिलेगा जिसमें कि 2 से 4 लोग फिट हो सकते हैं। 4 लोग कैसे, तो 2 लोगों के लिए बेड होता है, 2 बंक बेड होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं, तो वो उस तरीके से 4 लोग एक रूम में फिट हो सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा जब आपका ओशन व्यू रूम होगा। एट द सेम टाइम अगर आपको बालकनी वाला रूम चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, स्वीट रूम चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। सबकी कॉस्टिंग अलग अलग है, विच यू कैन सी ऑन द वेबसाइट ओनली। वंस यू बुक योर क्रूज, उसके बाद आती है जब आपकी डेट है जिस दिन आपको बोर्ड करना है। तो वैसे जहां तक मुझे ख्याल है, ये मुंबई और कोची इंटरनेशनल टर्मिनल, ये 2 जगह से क्रूज, कॉर्डेलिया क्रूज की बोर्डिंग होती है। तो अगर आप मुंबई से कर रहे हैं तो आपको मुंबई इंटरनेशनल टर्मिनल पहुंचना है। कोची से किया है आपने बुक तो आप कोची इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पहुंचोगे, आप वहां से जो है बोर्डिंग करोगे। बोर्डिंग प्रोसेस जो है इनका बहुत स्मूथ है। हम अहमदाबाद से मुंबई लैंड किया और हम डायरेक्टली पहुंच गए इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल मुंबई, और वहां पर कॉर्डेलिया क्रूज का स्टाफ था और बस हमने एंटर किया, हमारा लगेज स्कैन हुआ, उसके बाद हमें कार्ड्स मिले जो हमारे रूम की की थी वो हमें मिली, और बेसिक जो फॉर्मेलिटीज जो होती है कि आप एंटर करते हो और उसके बाद सारी चीजें चेक होती है और आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी आईडीज वो सारी चेक होती है, आपका बोर्डिंग पास जो आपके पास ऑलरेडी आ जाता है क्योंकि जब आप बुक करते हो उसके बाद मेल पे आपके एक वेब चेक इन का ऑप्शन आता है, वो आपको करना होता है, वो मैंडेटरी है, वो आप करोगे आपके मेल पे ही आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, वो बोर्डिंग पास आपको एंट्री में दिखाना होता है। सो दैट्स दैट। उसके बाद ये सारा प्रोसेस बहुत ही स्मूथली, 1/2 आवर लगा था मोस्टली हमें इसमें करने में, वो हो गया एंड देन वी बोर्डेड द क्रूज। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे साथ हुआ था, क्योंकि वो नेवी एरिया है जहां पे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, तो वहां पे जैमर्स लगे हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना बोर्डिंग पास डाउनलोड करके जाओ, आपके ईमेल पे है तो, क्योंकि ईमेल भी नहीं खुलेगा वहां पे जैमर्स लगे हुए हैं। तो अपना बोर्डिंग पास आप पहले से डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर लो, क्योंकि एंट्री में सबसे पहले आपका बोर्डिंग पास ही चेक होता है और उसके बाद ही आपकी एंट्री होती है टर्मिनल में। और क्रूज में बोर्ड करते ही आपको वेलकम ड्रिंक सर्व होगी एंड उसके बाद आपको गाइड किया जाएगा कि आपका रूम कहाँ है, उस तक आपको लिफ्ट से आप जा सकते हो। और अपने रूम में चेक इन करने के बाद रूम टूर जो कि मैंने किया था वो देखो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। वेलकम टू आर रूम इन कॉर्डेलिया क्रूज। ये होने वाला है हमारा 4 दिन के लिए यहाँ पर स्टे, सो मैंने सोचा आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ बिफोर वी क्रिएट अ मेस हियर। तो यहाँ से एंट्री है, कॉम्पैक्ट और बहुत ही प्यारा सा है, और हमारा जो रूम है दैट इज ओशन व्यू, सो हमें पूरा टाइम यहाँ से ओशन का व्यू दिखेगा एंड इट्स अ ट्विन बेड। और साथ में यहाँ पर एक्चुअली फैमिली रूम टाइप है, यहाँ पे 2 ऊपर बंक बेड भी है, सो इफ यू आर कमिंग विद योर फैमिली बढ़िया से
चार लोग सेट हो सकते हैं। देन देयर इज अ वैनिटी जहां पर आप बैठ के सजना संवरना तैयार होना कर सकते हो और थोड़ा काम भी हो अगर कुछ खुद कर सकते हो। देन हियर कम्स देयर इज अ स्टोरेज एरिया। तो यहाँ पे ओके तो सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट एंड एवरीथिंग इज कैप्ट इन लॉ, इसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है। देन यहाँ पर है शेल्फ जिसमें आप अपना कीमती कुछ सामान है वो रख सकते हो और लॉक करके रूम से बाहर जा सकते हो। थोड़े से हैंगर्स भी है टू कीप योर क्लोथ्स टाइडी, अच्छे से रख सकते हो। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉशरूम, आई शो यू, इट्स वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली क्रूज में छोटे ही होते हैं बट सब कुछ है, सारी अमेनिटीज है, आप देख सकते हो। टॉयलेट एंड देयर इज अ सिंक जिसमें कि गर्म और ठंडा पानी दोनों आएगा। देयर इज अ शावर एरिया, थोड़ा सा इधर कीजिए रुक, हाँ खड़े रह के एक बंदा शावर ले सकता है। हाँ जी, इट्स अ वेरी नाइस, मतलब मैंने इतना ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सारी अमेनिटीज होगी, बट इट्स अ गुड एरिया। यहाँ पर कपड़े वपड़े रखने की भी जगह है, टाल है, टिश्यूज है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज केप्ट इट हियर नाइसली टाइडी और बहुत सही है। अब आते हैं ओके थोड़ा सा इधर आता है, देयर इज अ टीवी यूनिट ऑल्सो और लगेज रखने की थोड़ी सी यहाँ पर भी जगह है, टेबल भी है और ये है दो बेड। ओके सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप क्रोज में पूरा दिन क्या करोगे, क्या एक्टिविटी होती है, बार बार किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वंस यू एंटर योर रूम यू विल फाइंड दिस कॉर्डेलिया टूडे जिसमें कि सब कुछ लिखा होता है टाइम के हिसाब से कि कौन से टाइम पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पे हो रही है। और इससे भी पहले आपको ये मिले, इससे भी पहले आपको अनाउंसमेंट सुनाई देगी जब आप बोर्ड करोगे कि अब आपको जो है क्रूज टूर के लिए लेकर जाएंगे क्रूज के स्टाफ। तो आप सेटल हो जाओ अपने कैबिन में, अपना सामान वामान रख लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। उसके बाद लंच भी उस टाइम पे सर्व किया जा रहा था तो हमने लंच लिया। उसके बाद हमें क्रूज के जो स्टाफ होते हैं, वन ऑफ द स्टाफ जो कि लेकर जाते हैं आपको पूरा क्रूज टूर के लिए, कि आपको ताकि पता रहे कि कौन सी जगह पे क्या है और आपको वो एक छोटा सा टूर दे देता है। तो वो लेने के बाद एक सेफ्टी ड्रिल होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्लाइट में आपको सीट बेल्ट और आपको आपातकालीन स्थिति में क्या करना है वो सब समझाया जाता है। तो इसमें भी सेम होता है जिसमें आपको लाइफ जैकेट कैसे पहनना है वो बताया जाता है, कुछ थोड़े से सेफ्टी के लिए चीजें बताई जाती है, वो मैंडेटरी है। वो अटेंड करने के बाद जो है थोड़ी देर बाद क्रूज स्टार्ट हो गया और जैसे क्रूज स्टार्ट हुआ उस टाइम पे सेल अवे पार्टी होती है। तो सबसे अपर वाला जो डेक होता है वहां पर लाउड म्यूजिक डीजे के साथ बहुत ही बढ़िया पार्टी इंजॉय की और सनसेट भी हो रहा था क्योंकि शाम का टाइम था, तो बहुत ही सुंदर व्यू के साथ और सनसेट को इंजॉय करते हुए सेल अवे पार्टी हुई। और हाँ ऐसे बहुत सारी चीजें जो है क्रूज में चलती रहती है, उसका सारा का सारा ब्यौरा जो है लाइन मतलब टाइम वाइज यहाँ पर लिखा होता है इस कॉर्डेलिया टुडे अखबार में। इसको एक्चुअली आप चार दिन पांच दिन जितने दिन भी रहोगे क्रूज में आपको ये अखबार मिलेगा रोज। तो आपके फोन का तो नेटवर्क नहीं आने वाला है, वो आप पहले से प्रिपेयर होके जाना। दूसरी चीज, आपको वाईफाई मिलेगा क्रूज में पर उसमें व्हाट्सएप नहीं चलता है। आप थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर सकते हो इमरजेंसी वाला बट आपको आपका कॉल नहीं लगेगा, जस्ट वाईफाई में थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग कर सकते हो या फिर कुछ सर्च कर सकते हो, दैट्स इट। तो मुझे लगता है अगर आप वेकेशन पे आए हो और आप थोड़ा अपना काम साइड में रख सकते हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि आप डिस्कनेक्ट हो जाओ दो तीन दिन के लिए दुनिया से और एंजॉय करो अपना टाइम अपने लव्ड वंस के साथ। सो दिस इज अबाउट दिस। अब बात करते हैं कि कॉर्डेलिया में क्या क्या एरियाज है, कौन कॉर्डेलिया क्रूज में कौन कौन से एरियाज है जहां पे एंटरटेनमेंट और गेम जोन और स्पा और वो सब मैं आपको आगे बताती हूँ। हाँ जी, तो चलिए आपको पूरे क्रूज का टूर देते हैं और ये है सबसे ऊपर वाला डेक जहाँ पे मोस्टली पार्टीज होती है और ये थी होली वाली पार्टी जो कि काफ़ी क्रेजी थी। हमने तो होली नहीं खेली थी बट जो लोग भी खेल रहे थे देख के बड़ा मज़ा आया, म्यूज़िक था लाउड और वहाँ पर एक मार्की थिएटर है जहाँ ये म्यूजिशियन वाला शो हो रहा था। वहाँ पर हर दिन रात को कोई ना कोई एक शो होता है, एक बल्ले बल्ले शो था जो कि उनका ओन प्रोडक्शन, वॉज अमेजिंग। एंड दिस इज़ देयर स्टार लाइट रेस्टोरेंट जो कि जहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट डिनर ये सर्व होता है और ये लास्ट डे था जहाँ पर सारे शेफ्स को सबको थैंक यू कर रहे थे, डांस कर रहे थे। एंड दिस इज़ द फूड कोर्ट जो कि सबसे ऊपर वाले डेक पे है जहाँ पर हाई टी भी सर्व होती है और साथ में ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी सर्व होता है। पर यहाँ से जो व्यू है ना वो पूरा बहुत सुंदर है, सनसेट भी बहुत अच्छा दिखता है। तो जब भी आप जाओ वहाँ बैठ के सनसेट के मज़े ज़रूर लेना। और ये है स्टारलाइट रेस्टोरेंट का थोड़ा सा क्लोजर लुक। और एक रेस्टोरेंट है जिसका
नाम है चॉपस्टिक्स, जहाँ पर आपको पे करके खाना पड़ेगा. बाकी ये दो रेस्टोरेंट है वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड होते हैं. देन दिस इज़ द मार्की थिएटर का एंट्रेंस, जहाँ से आप अंदर जाते हो और बहुत ही बड़ा मस्त थिएटर है. कंफर्टेबल सीट्स लगी हुई है, आराम से बैठ के इंजॉय करो शोज़. ये था पहला दिन जब इंडियन सिनेमैजिक शो हुआ था, जिसमें कि सारे स्टेट के कल्चर को दिखाया गया था डांस के थ्रू. एंड इट वाज सो गुड, डांसर्स आर अमेजिंग, एक्टर्स आर अमेजिंग, एंड बहुत ही एनर्जेटिक और अच्छी वाइब हो गई थी पूरे क्रूज में. एंड दिस इज़ चेयरमैन्स क्लब, जहाँ पर आप बैठ के ड्रिंक इन्जॉय कर सकते हो और साथ में लाइव म्यूज़िक भी. ये एक ऐसी प्लेस थी जो सागर की काफ़ी फेवरेट थी और मेरी भी ज़रूर कोई ना कोई तो फेवरेट प्लेस होगी. तो मेरी फेवरेट प्लेस थी आर्ट वाली जगह, जहाँ पर बैठ के आप थोड़ा सा आर्ट कर सकते हो और थोड़ी शांति होती थी उस जगह पे. तो यहाँ पर हमने एक स्केचिंग के लिए पेपर लिया, क्योंकि मुझे काफ़ी शौक है. मैंने ज़बरदस्ती सागर से भी थोड़ी सी पेंटिंग वेंटिंग कराई, उसको बोला चलो थोड़ी देर बैठते हैं अच्छे से शांति से जहाँ लोग नहीं होते थे, और हम बैठ कर आराम से कलरिंग कर रहे थे. एंड देन फॉर जिम फ्रीक्स, देयर इज़ अ जिम. यस, बहुत ही फुल्ली इक्विप्ड जिम है वहाँ पर और आप जिमिंग कर सकते हो. मैं सुबह 2 दिन गई थी जिम, 4 दिन में से, तो वॉज नॉट गुड, नॉट बैड एक्चुअली. डेफिनेटली इट वॉज सो गुड, क्योंकि व्यू $1 million था. इस व्यू के साथ जिम करने का जो मज़ा है वो डबल ट्रिपल चौपल हो जाता है. हाँ जी, एंड दिस इज़ द प्लेस. जिम से थोड़ा नीचे, एक डेक नीचे, आपको ये डेक है जहाँ पर कैरियोके नाइट्स होती है. सागर को काफ़ी मज़ा आया कैरियोके नाइट में. तो हाँ जी, यहाँ पर आप गावा सकते हो सिंगिंग के अगर शौकीन हो तो. उसके बाद चलते हैं इस एरिया में जो कि लड़कियों का काफ़ी फेवरेट है. नो, दिस वन इज़ बॉयज़ फेवरेट, कसिनो. एंड गर्ल्स फेवरेट इसके बाद आने वाला है. तो कसिनो 24/7 है जो कि चलता है. और हाँ, ये है गर्ल्स फेवरेट प्लेस, शॉपिंग प्लाजा, जहाँ पर ज्वेलरी से लेके कपड़ों से लेके बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी. और हाँ, एंटिक ज्वेलरी, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी, बहुत कुछ है यार इस प्लाजा में. इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है, कपड़े उपड़े, बैग वैग. मैं देखने लगी थी और उतनी देर में सागर ने बोला बस ये ज़्यादा देखेगी तो पक्का चूना लगाएगी. तो उसने बोला चल चल आगे देखते हैं, आगे कुछ और अच्छी चीज़ें भी है. बट ये एक बैग था जो कि मेरे ड्रेस के साथ बहुत ही मैच कर रहा था. मैंने उसे थोड़ा सा ऐसे लगा वगा के भी देखा और उसके बाद अच्छा भी लग रहा है यार देख के. अभी और ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब मैं इसे वीडियो में देख रही हूँ, वहाँ पर इतना नहीं अच्छा लगा था. बाय द वे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा. और हाँ जी, ये है शॉपिंग प्लाजा, जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो. इन सब जगहों पर रहते हैं ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम क्रूज़ में, ऐसा लगता है कि हम नॉर्मली किसी सिटी में घूम रहे हैं. दैट्स वाई दे कॉल इट सिटी ऑन द क्रूज. एंड दिस इज द एडवेंचरस प्लेस, जहाँ पर रॉक वॉल क्लाइंबिंग आप कर सकते हो. हमने दोनों ने ट्राई किया था. मैं सागर को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रही थी, बट ही डिड क्वाइट वेल. उसने काफ़ी अच्छा किया, मुझसे तो अच्छा ही किया. वो पूरा ऊपर तक गया था, बस एक स्टेप रह गया उसका और मैं थोड़ा ही ऊपर जा पाई थी और उसके बाद नीचे मैंने खुद जंप लगा लिया. तो मेरा कुछ ऐसा सा पचका हुआ था, आपको बस अभी देखने को मिलेगा. वेट फॉर इट, वेट फॉर इट. हाँ हाँ जी, देखिए देखिए, बस कुछ कुछ ऐसा था मेरा. और वहाँ पर जस्ट उसी डेक पे है स्विमिंग पूल, जैकूजी, जो कि आप इंजॉय कर सकते हो आफ्टर मस्त पूरा दिन हो जाए. उसके बाद आप आराम से स्विमिंग पूल में स्विमिंग करो, जकूजी में चिल करो. एंड देयर इज अप देयर, देयर इज 3 जकूजीज. एंड ये है क्रूज का मेन एंट्रेंस वाला पार्ट. सो या, दैट्स इट, दिस इज द क्रूज गाइज. लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपने कभी कॉर्डेलिया क्रूज का टूर लिया है या नहीं. हाँ जी, तो ये तो था पूरा का पूरा फ्रॉम द बिगनिंग टू कॉर्डेलिया क्रूज टूर एंड अमेनिटीज एंड एक्सपीरियंस. नहीं नहीं, एक्सपीरियंस बताना बाकी है. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आज ही मेरा लास्ट डे है और कल जो है मुंबई पहुंच जाएंगे सुबह, तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे. तो माय एक्सपीरियंस, क्योंकि ये पहली बार था जब मैंने और सागर ने दोनों ने क्रूज टूर लिया. और हाँ, उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इट वॉज गुड, बहुत अच्छा था. क्योंकि हम दोनों ऑल द टाइम अपने फोन्स में, क्योंकि सोशल मीडिया पे यार आपको पता है कितना ज़्यादा आप इंगेज रहते हो हमेशा, ऑल द टाइम यू हैव टू बी आउट देयर. तो हम लोगों को एक वो शांति वाला टाइम चाहिए था, वो मिला. और यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप डिस्कनेक्ट हो सकते हो. जहाँ का आपको म्यूजिक नहीं पसंद है तो आप उस एरिया में मत जाओ, आप कहीं शांति वाली जगह में बैठ सकते हो. बहुत सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज है, ये नहीं करना है तो ये कर लो, ये नहीं करना है तो ये कर लो. तो यू आर
इंगेज ऑल द टाइम. आपको ऐसा नहीं है कि बोर हो रहे हो, बोर होने वाला ऑप्शन है नहीं यहाँ पे. तो वो, और दूसरी चीज, एक अगर मैं सजेशन आपको दूंगी तो वो ये दूंगी कि आप अगर आप बहुत लंबा टाइम नहीं करना चाहते हो तो आप मुंबई से कोची वाला ले लो, विच इज बेस्ट आई फाइंड. मैं अगर अपने किसी फ्रेंड को भी सजेस्ट करूंगी तो मैं ये बोलूंगी कि आप मुंबई से कोची लो, उसमें 2 दिन हो जाते हैं और आपको भरपूर पूरा आप क्रूज एक्सप्लोर कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो. उसके बाद आप कोची में, मतलब फाइनल आपका डेस्टिनेशन कोची होगा, कोची से फिर आप घूम फिर के मुन्नार वगैरह, आपको केरला में जो भी घूमना है वो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके अपने होम टाउन वापस जा सकते हो. या फिर अगर आपको लक्षद्वीप करना है, जैसे मुझे तो लक्षद्वीप बहुत अच्छा लगा, पर लक्षद्वीप थोड़े लंबे टाइम के लिए जाने वाली जगह है, क्योंकि जब आप क्रूज से एक्सकर्जन लेते हो, शोर एक्सकर्जन कहते हैं, जिसमें आपको वो लेकर जाते हैं और 4-5 घंटे में वापस लेकर आते हैं क्रूज में वो घुमाने के बाद, तो वो सेम हमने कोची में भी किया और लक्षद्वीप में भी किया, जिसके वीडियोस आप सेपरेटली चैनल पे देखोगे बहुत जल्दी. पर अगर वो आपको करना है, आपको लक्षद्वीप ऐसे लंबे टाइम के लिए नहीं जाना है, जस्ट टू सी, तो आप ये 5 दिन वाला ले लो. और नहीं तो आपकी मर्जी है, आप गोवा वाला लेना चाहते हो तो गोवा वाला भी ले सकते हो क्रूज. तो हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहा. खाना बहुत अच्छा है क्रूज में, किस दिन भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हम खाने को लेकर. बहुत सारे ऑप्शंस है, जैन लोगों के लिए भी अलग, वेजिटेरियन लोगों के लिए, मतलब प्योर वेजिटेरियन, और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए अलग. तो ओवरऑल खाने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था. सो या दैट्स दैट. इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ. स्टिल आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है या दिमाग में कोई ऐसी बात है कि हिमानी ये कैसे होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन. एंड या विल सी यू विद अनदर वीडियो. टिल देन टाटा, बाय बाय.